हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर 1 का पार्ट 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस करा। आज की हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड है वो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसा रहा। ऑब्वियसली बात है कि काफी एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने करा। फॉरेन ट्रेड के बारे में हम बार बार जान चुके हैं। फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होता है बच्चों? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वी आर द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल। तो चलिए, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं कि हम एक कंपैरिजन फॉर्म लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या हमारे हालात पहले थे और क्या इन लोगों के आने के बाद हुए। तो अगर हम बात करें बिफोर ब्रिटिश रूल, तो इतना भी फॉरेन ट्रेड हमारा बुरा नहीं था। हमारी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, इतनी बुरी नहीं थी। सोने की चिड़िया हमारे देश को ऐसे नहीं कहा जाता था। तो हम एक्सपोर्टर थे, यानी हम एक्सपोर्ट करते थे क्या चीजें? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपकी बहुत ज्यादा वेल नोन थी, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया। सिल्क हम लोग एक्सपोर्ट करा करते थे। प्रीशियस स्टोन्स, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्टोन्स जो होते हैं उनकी बहुत वैल्यू थी हमारे देश से जो बाहर जाया करते थे। आइवरी वर्क, तो ये कुछ चीजें थी डियर जिन्हें हमारे देश से फॉरेन कंट्रीज के द्वारा डिमांड किया जाता था और हम फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करते थे। तो अच्छी चीज थी, कोई बुराई नहीं थी। अगर हम बात करें, कुछ चीजें तो थी ना जो हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। और हाँ, मानते हैं कि हैवी मशीन्स वगैरह हमारे देश में नहीं बना करती थी, बट एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट था कि कुछ चीजों के लिए तो हमारे देश से बाहर के देशों के द्वारा डिमांड करी जाती है। तो बिफोर ब्रिटिश रूल्स ऐसा नहीं था कि वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग या वी आर नॉट डूइंग फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड वर्ड जो है वो अभी अभी आया है। नहीं डियर, हमें पता है फॉरेन ट्रेड शब्द का क्या मतलब होता है। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है उसे कहा जाता है आपके पास फॉरेन ट्रेड, राइट? तो हमारे देश में भी एक्सपोर्ट होता था। ये कुछ चीजों के नाम हमने आपके साथ डिस्कस करे। अब बात करते हैं ब्रिटिश रूल के आने के बाद, यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हमारे फॉरेन ट्रेड के क्या हालात थे। तो डियर देखिए, पहला ही पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है, इसे आप लाइन बना लीजिएगा। हम एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर थे फिनिश गुड के। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, यही हमारा फॉरेन ट्रेड था। मतलब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, पर खुश होने की जरूरत नहीं है। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करा करते थे, जिसमें रॉ सिल्क यानी कच्चा सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, ऐसी सब चीजें थी जो ब्रिटेन के लिए कच्चे माल के तौर पर काम करती, यानी वहां की इंडस्ट्रीज को सप्लायर के तौर पे हमने फीड करा। यानी वी आर द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वी आर द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द अदर हैंड वी इंपोर्ट फिनिश गुड, सिल्क, बना हुआ सिल्क, वुलन क्लॉथ, मशीन वगैरह, और डेफिनेटली ये सब चीजें हमारे लिए कॉस्टली पड़ती थी एज कंपेरेटिव टू रॉ मटेरियल। ये बात हमने आपको बताया। एक फॉर एग्जाम्पल, आप चॉकलेट बनाने का सामान लेकर आते हैं मार्केट से, या केक बनाने का सामान लेकर आते हैं, कोई भी चीज है। जैसे हम कई बार कहते हैं, पेरेंट्स कई बार हमको चीज खाने की लेकर आते हैं मार्केट से और हम कहते हैं कि यार ये इतने की पड़ी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज लेकर आई तो वहां पर 250 रुपीज के वो फ्रेंच फ्राइज थे। तो मेरी मम्मा ने कहा कि भाई ये क्या है, आलू ही तो है, अगर हम आलू भी लाएं तो भी इतने रुपए किलो नहीं पड़ते, तुम तो क्या ही चीज कर देते हो। तो मैंने कहा मम्मा नहीं, इसमें सब इतना डेकोरेशन वगैरह करा हुआ है। तो कहती कैचअप ही तो है और क्या है, ये भी मार्केट से मिल जाएगा। तो दिस इज वॉट डियर, अगर आप रॉ मटेरियल का कंपेरिजन करेंगे फिनिश गुड के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो लोग क्या करा, उन्होंने हमारे से एक्सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से ले जाते थे, लेकिन रॉ मटेरियल लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जो कि उनके वहाँ एक कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करा जाता था। इंडिगो एक ऐसी चीज होती थी जिसको सिर्फ डाइंग होती है ना, कलरिंग होती है क्लॉथ के लिए, उसके लिए आपके पास। और हमारे फार्मर्स को भी इन्होंने यही चीजें प्रोड्यूस करने पर ज्यादा फोकस करा। यानी इन्होंने कमर्शियल क्रॉप का कंसेप्ट तो दिया हमारे एग्रीकल्चर्स को कि आप बनाकर मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन इन्होंने फिर भी वही फार्मर से प्रोड्यूस करवाया जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, राइट? तो हम इनके सप्लायर्स थे कच्चे माल के, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। वन मार्कर में आ भी जाता है आपके पास क्वेश्चन, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा कि किस चीज का हम एक्सपोर्ट करते थे। और हम वहां से इंपोर्ट करा करते थे सिल्क, वुलन क्लोथ, मशीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हमारे देश को काफी कॉस्टली पड़ती थी। और आपको हमने ये भी बताया था कि इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इस्तेमाल कर रखी थी, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें बुक में देखेंगे तो वहाँ 2-3 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप ये ऐड कर सकते हैं डियर, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसमें क्या किया था इन्होंने कि टैक्स फ्री कर देते थे क्या चीज, टैरिफ पॉलिसी,
टैक्स फ्री था, यानी ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री था क्या? इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। पहले तो देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ, एक्स को हम एक्सपोर्ट से रिमोट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्री कर दिया, यानी इंडिया से ब्रिटेन जाने में रॉ मटेरियल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इंपोर्ट होता था कहां से, ब्रिटेन से इंडिया में, तो उसको आपने ड्यूटी फ्री कर दिया। बट हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए ताकि हमारा फॉरेन ट्रेड बर्बाद हो जाए, हैवी ड्यूटी इंपोज कर दिए अगर हम एक्सपोर्ट करते थे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यानी अगर हम किसी भी और कंट्री को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर इतना ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिया कि वो उस कंट्री में जाके महंगा हो जाए। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं, वेदर इट इज सेकंड पॉइंट फोर्थ पॉइंट जो भी आप मेंशन करना चाहें। तो अभी फिलहाल मैंने आपके साथ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा कि वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एंड फाइनली हम इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड जो कि कॉस्टली पड़ता, ये हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। सेकेंडली ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर दी थी हमारे फॉरेन ट्रेड पर, कैसे ये देखिए, एक्सपोर्ट यही लोग हमसे करते थे क्योंकि अगर कोई और कंट्री एक्सपोर्ट करती थी हमसे तो उस पर इतना ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देते थे कि उस कंट्री के लिए वो बहुत महंगा हो जाता था। तो ये चालाकी से क्या करते थे, अपने यहां से बल्कि एक्सपोर्ट करने लगे हमारे सामान को। इस तरीके से इन्होंने हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था उसको पूरा कंट्रोल कर दिया। पहली बात तो इम्पोर्ट तो इन्हीं के यहाँ जाता था, मतलब मोर देन हाफ हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था, वो ज्यादा ब्रिटिश के पास ही था। कुछ एक दो कंट्रीज को दिखावे के लिए इन्होंने हमारा दिखा रखा था कि इन दो कंट्रीज की तरफ हमारा एक्सपोर्ट जाता है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं था, वो सिग्निफिकेंट नहीं था, वो बहुत स्मॉल था। तो मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी सिंगल सप्लायर और सिंगल सेलर बन गया हमारी कंट्री के अंदर। ना तो हमारी कंट्री का सामान किसी और को खरीदने देता था जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, और ना ही किसी और कंट्री को हमारे यहाँ अपना सामान बेचने देता था। तो इस तरीके से उसने हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कब्जा कर लिया था, यानी मोनोपोली क्रिएट कर दी थी। और यही करने के लिए उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी थी, स्वेज कनाल ओपन करी थी 1869 में। ये वन मार्कर में आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसे याद रखिएगा, व्हेन स्वेज कनाल इज ओपन, 1869 में इसने स्वेज कनाल ओपन करी, जिससे जो सामान की आवाजाही थी, यानी ब्रिटेन से इंडिया में जो सामान इधर से उधर जाया करता था, वो और भी ज्यादा आसान हो गया और इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी ज्यादा कम पड़ गई। तो ये भी इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ओपन करी थी, बेशक आज इसे यूज करा जाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें किस तरीके से इन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारे फॉरेन ट्रेड पर भी कब्जा कर लिया। तो फर्स्ट पॉइंट, वी आर जस्ट एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। सेकेंडली मैं आपके पॉइंट में ऐड करना चाहूंगी कि इन्होंने हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इस्तेमाल करी, और इसी का इफेक्ट आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने ये टैरिफ पॉलिसी इस्तेमाल करी, इसी की वजह से हम बाकी देशों को एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया हमारा, और इम्पोर्ट तो डेफिनेटली इन्होंने कंट्रोल कर ही लिया था। तो इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। तीसरा जो बहुत ही बुरा पॉइंट था, इन्होंने हमारी इंडियन वेल्थ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। पहली बात तो हमारे देश में एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगे इम्पोर्ट के मुकाबले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। अब एक्सपोर्ट सरप्लस पड़ा, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री यही चाहती है कि उसकी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा हो, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट उतना अच्छा नहीं था डियर, क्योंकि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करा करते थे। जो पैसा हमारा एक्सपोर्ट के थ्रू कलेक्ट होता था हमारी कंट्री में, उसका इस्तेमाल पता है ये किस चीज के लिए करते थे, इन्होंने जो ऑफिस सेट कर रखे थे इंडिया के अंदर, उनके खर्चे बेयर करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते थे। यानी जो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आई भी, या फॉरेन ट्रेड के थ्रू हमारे देश में जो पैसा आया भी, उसका इस्तेमाल भी इन्होंने हमारे देश के लिए नहीं करने दिया, उसका इस्तेमाल इन्होंने अपने ऑफिसेस के खर्चे बेयर करने में, और जो सबसे बुरी चीज है, वॉर एक्सपेंसेस में। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है बाकी कंट्रीज के साथ लड़ाई करते थे और हमारे आर्मीज का इस्तेमाल करते थे, तो हमारे फंडिंग का भी इस्तेमाल इन्होंने अपने ही यूज के लिए करा, यानी हमारे पैसे का इस्तेमाल इन्होंने अपने वॉर एक्सपेंसेस में यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो अगर मैं इन नटशेल बोलूं डियर, कि इन्होंने हमारी इकोनॉमी पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। आप देख सकते हैं एक अच्छे एक सेटिस्फैक्ट्री हमारा एक्सपोर्ट होता था, वो पूरे तरीके से इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत छोटा सा आपका पास कंसेप्ट है जो आपको समझना भी जरूरी है, और बार बार इस चैप्टर में यही बात रिपीट हो रही है कि वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो ये बहुत आराम से आपको ध्यान में रह सकती है। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी है या कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि मैम हमें आपकी वीडियो में ये इम्प्रूव करने की जरूरत लगती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सजेशन बॉक्स में हमें बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। और साथ ही साथ अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे एक शेयर जरूर करिए आपकी तरफ से। अगर आपने इसे पढ़ा और अगर आपको यूजफुल लगा तो इसे शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग यू बाय।